पाबंदी की है, आरपीएफ बनकर ये लोग कर रहे थे, किस तरह से ये प्रशासन कर रहा है? थाना क्षेत्र मलपुरा में तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं इनके नाम हैं राहुल पुत्र दिनेश, रहमान पुत्र यासीन और सलमान पुत्र अकील। राहुल यही जनपद आगरा मलपुरा का रहने वाला है। रहमान और सलमान ये दोनों जनपद चंदौसी के रहने वाले हैं, लक्ष्मणगंज के। जब हमने इनसे पूछताछ की तो पूछताछ में पूरा नेटवर्क सामने आया है। इसमें ये जो गांजा लाते हैं वो विशाखापट्टनम से लाते हैं ट्रेन के माध्यम से। इसमें एक कल्पेंद्र जिसका शॉर्ट फॉर्म में केडी नाम है, केडी इसकी मदद करता है वहाँ से गांजा विशाखापट्टनम से उठाने में। ये ले आता है और यहाँ पे जो सलमान और रहमान दो व्यक्ति पकड़े गए हैं, ये दोनों व्यक्ति बेसिकली मोंटी के बिहाफ पे काम करते हैं। मोंटी इनको बेचता है गांजा लाने के लिए, जो यहाँ से आगरा से चंदौसी ले जाते हैं, फिर वो चंदौसी में फिर उसको बेचता है। तो पूरा मोटा मोटी जो नेटवर्क हम देखें तो केडी और राहुल टॉप पे हैं। राहुल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करके ले आया, उसने मोंटी को दिया, मोंटी ने अपने नीचे दो आदमी रखे हैं, सलमान और रहमान। इसके अलावा और भी इसने नाम हमें बताया है, अभी वो हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद उस पर भी एक्शन लेंगे। जब हमने इसकी तलाशी ली तो तलाशी में इसके पास से, राहुल के पास से गांजे के अलावा जो इन तीनों से बरामद हुआ है, उसके अलावा 7 फर्जी आधार कार्ड प्राप्त हुआ है, 1 आरपीएफ का आई कार्ड मिला है, 4 फर्जी सिम कार्ड मिले हैं, 3 मोबाइल मिला है और 1 फ्लाइट की टिकट मिली है। जो इसमें आधार कार्ड है, आधार कार्ड के संबंध में पूछा गया कि इतने आधार कार्ड क्यों रखे हुए हैं, तो उसने बताया कि आधार कार्ड का प्रयोग वो होटलों में चेक इन करने के लिए करता है। कभी उसको विशाखापट्टनम रुकना पड़ा, कभी आगरा, कभी दिल्ली, कभी भोपाल कहीं और, तो ये इसका यूज़ करता है। जो आरपीएफ का कार्ड है ये पुलिस की चेकिंग, जो रेलवे पुलिस की जनरली चेकिंग होती है तो, या फिर किसी और स्थानीय पुलिस की चेकिंग होती है, तो आरपीएफ का कार्ड दिखा के बच जाता है। तो ये उसका पूरा मोडस ऑपरेंडी है।